चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। कर्नलजी जी, इसी के साथ बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि बीच में तेजी बनी, हल्की सी फिर आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, ग्वार सीड हमें एक बहुत मिस्टीरियस रहस्य में कमोडिटी होती जा रही है जी, क्योंकि बहुत छोटी कमोडिटी है, बहुत कुछ सीमित लोगों के हाथ में इसका कारोबार है, जो राजस्थान, राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान देख लें, अधिकतर हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाकों के अंदर इसकी ट्रेडिंग और इसकी पैदावार होती है, और वहीं के जो कारोबारी हैं, वहीं के जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो इसको डील करते हैं। अब बड़ी समस्या ये हो रही है कि गवार की बिजाई कम है, बाजार अच्छे गवार की अराइवल कम है, क्योंकि मौसम की मार ने कुछ दागी कर दिया। अब ऑर्डर्स इनके एक्सपोर्टर्स के हाथ में जो सूचना मिल रही है, इनके पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, लेकिन बाजार के अंदर ये प्रेशर के तेज मंडरिए बनाना चाहते हैं ताकि लोग माल छोड़े। अभी आप पिछले 1.5 से 2 महीने में आप देखें, गवार सीड बिल्कुल स्टैग्नेंट रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये तेजी भी दिखाया है, 6500 के भाव दिखा दिए, ये 6000 से नीचे के भी भाव चले गए थे। तो इस कमोडिटी के अंदर वो ही कामयाब होगा जो धैर्य रखेगा, और मेरा आकलन ये कह रहा है कि अब गवार कमजोर हाथों में है ही नहीं जी। जो जिनके पास गवार सीड और गवार गम है, वो मजबूत हाथ हैं, और वो किसी कीमत के ऊपर उनको महसूस हो गया है कि ये इसमें पैसे अच्छे मिलेंगे, तो वो बाजार में माल छोड़ने को तैयार नहीं है, और किसान भी अच्छी क्वालिटी का गवार इतनी आसानी से नहीं बेचेगा जब तक उसको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि घरेलू जरूरत ऐसी है, किसी को भी कभी भी आती है, जब तक वो नहीं आएगी और वो किसान बेचने को तैयार नहीं है। तो इसको देखते हुए ये उतार चढ़ाव NCDX में जरूर रह सकता है, लेकिन इसमें घबराने और परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है जी। अखिलेश जी, जी कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।